अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुबीना, डिप्टी सीएमओ शोपियां। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियां में केसेस अभी सबसे कम आ रहे हैं, लेकिन ये सब कंटिन्यू रखने के लिए और इनफैक्ट हमारे केसेस ख़त्म बिल्कुल हो जाए, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए यहाँ, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि काइंडली मास्क पहनने के बगैर घर से बाहर ना निकले। हमारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, SOPs है, वो फॉलो करें, जिसमें मास्क वेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क होगी तो आपको 80-90% प्रोटेक्शन उसी से मिल जाएगी। उसके बाद हमारी हैंड वॉशिंग है एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग्स अवॉइड करनी है हमें जितना पॉसिबल हो से, और स्टे एट होम। जब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तब निकले, और अदरवाइज घर में ही बैठे। इन केस किसी को सिम्टम्स आए और उसको लगा कि उसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं उसे, तो उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए। हमारे पास हर जगह पे कोविड टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, दे कैन गो एनीवेयर एंड गेट टेस्टेड। इन केस पॉजिटिव आया कोई, नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने नंबर्स गलत मत दीजिए, फ़ोन नंबर्स, वी नीड टू कॉन्टैक्ट यू पीपल। हम जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है, हमें हेल्पलाइन नंबर्स भी हमारे पास है, और जो पॉजिटिव आता है हम उनको रोज़ कॉल करते हैं, उनके क्या है, उनकी उनका स्टेटस क्या है, वो हमें उसी से पता लगता है। इन केस दे नीड एनी हेल्प, वी हैव हेल्पलाइन नंबर्स एंड वी प्रोवाइड ऑल पॉजिटिव पेशेंट्स विद अ किट। उस किट में हम ये नंबर्स भी देते हैं किस टाइम वो किस डॉक्टर को या किसको कंसल्ट करे अगर कोई उनको कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इन सारे SOPs पे चले प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी। एंड इन केस यू गेट पॉजिटिव, काइंडली कोई परेशानी की बात नहीं है, हम है यहाँ केयर करने के लिए। हम अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं, आई नो पीपल आर कोऑपरेटिंग, हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया और वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। वी हैव डन ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड ऑल द पीपल, जो हमारे बेनिफिशरीज अभी तक जो हमारे ड्यू थे वो हमने कर लिए हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम किसी को भी होगी, वो प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।